Welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkar, where every day we used to have this session of daily news analysis. So this session deals with the articles that let me show you here. So there is a list that we have to cover today. पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर है, न्यूज़ में है, आपके जीएस पेपर 3 से और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, तो वील टॉक अबाउट इट. मैप बेस्ड प्रैक्टिस आज आप करोगे खुद, क्योंकि ये रहेगा आपका होमवर्क. हर बार मैप दिखाती हूँ मैं, आज आप खुद से पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मैप में लोकेट करोगे, ठीक है. फिर उसके बाद हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, ये आपके जीएस पेपर 1 इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी से भी लिंक करता है और प्रीलिम से भी यहाँ से सवाल बन सकते हैं, ठीक है. गुची मशरूम क्या है, विल टॉक अबाउट इट. ई सरस मोबाइल ऐप क्या है, जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. तो ये एक प्रीलिम्स और मेंस के इम्पॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें विल टॉक अबाउट देम. एक एडिटोरियल है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि बात कर रहा है फिस्कल हेल्थ ऑफ स्टेट्स की. तो ये आपके जीएस पेपर 3 से लिंक होता है, एक हिंदू में काफ़ी बड़ा एडिटोरियल फ्रंट पेज पे, मतलब बेसिकली एडिटोरियल सेक्शन के अंदर पहला बड़ा एडिटोरियल है ये. तो हम इसको कवर करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, इसकी एनालिसिस करेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से. फिस्कल हेल्थ ऑफ द स्टेट्स क्या है, इसमें दो चीज़ें, दो टर्म्स हैं जिनको पहले मैं आपको क्लियर करवा दूंगी ताकि ये आर्टिकल आपको समझ आ जाए. लेकिन अब सेशन शुरू करने से पहले क्या करना है, मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन, शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है. चलिए फिर शुरू करते हैं और ये लीजिए आपका पहला आर्टिकल, अ मैक्रो व्यू ऑफ फिस्कल हेल्थ ऑफ द स्टेट्स. सो ओवरऑल ये जो पूरा आर्टिकल है ये आपको, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेट्स की जो फिस्कल हेल्थ है उसके बारे में बताएगा. फिस्कल पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, फिस्कल हेल्थ से आप क्या समझते हो, आपको आपके मम्मी पापा ने दिए हैं 2000 रुपये खर्चने के लिए, और 2000 रुपये दिए आपको, या आपने 2000 कमाए, आपके पास 2000 रुपये आपका पॉकेट मनी है, आपने खर्च कर दिए 3000 रुपये, तो वो क्या हो गया, ये इसी को ही तो बैलेंस करना है. यही आपकी फिस्कल हेल्थ है, जिसमें आपके खर्चे बहुत हैं, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, रिवेन्यू है नहीं, या फिर बहुत ही आप शार्प हो, आपको 2000 रुपये दिए, आपने 500 सेव किए और 1500 रुपीज़ आपने एक्सपेंड, मतलब जो भी आपका खर्चा हुआ. तो ये आपका फिस्कल हेल्थ कैसी है, या तो हर बार आपको, मतलब 2000 रुपीज़ यू आर टेकिंग एज द रिवेन्यू, 3000 आपका खर्चा होता है, हर दिन 1000, हर महीने 1000 रुपये, हर दिन 1000 रुपये आप कुल मांगने पड़ते हैं, फिर किसी और से बाद में आपको उधारे चुकानी पड़ती हैं. तो ये मैं लेमैन टर्म्स में बता रही थी. तो अब ये पूरा आर्टिकल हमारे फिस्कल हेल्थ की ही बात कर रहा है, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक दो टर्म्स हैं इस आर्टिकल में, पहले वो समझ लोगे तो पूरा आर्टिकल बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा. एक है रिवेन्यू डेफिसिट और एक होता है फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है और रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, पहले हम रिवेन्यू डेफिसिट ले लेते हैं. रिवेन्यू डेफिसिट तो बहुत ही सिंपल है. रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब यही है कि जब सरकार खर्चा कर रही है, मोर मनी स्पेंड कर रही है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज पे, ठीक है. यानी कि मतलब सैलरीज, मेंटेनेंस, मतलब व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी ऑन इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस, देन इट अर्न्स फ्रॉम इट्स रेगुलर सोर्सेज, चाहे टैक्स हो गया, चाहे फीस हो गई, उन सब से. सो मतलब वो है आपका रिवेन्यू डेफिसिट, जब आपका एक तो एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो रखा है रिवेन्यू से, और वो एक्सपेंडिचर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, कोई एसेट नहीं जनरेट हो रहा है. अगर वो खर्चा जिसमें आपके एक तो डे टू डे एक्सपेंसेस भी हो गए और इसमें जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी एडेड है, मतलब खर्चा इन्वेस्टमेंट में भी होगा ही सही, वो आपने जो एक्सपेंडिचर किया है, वो चाहे रोड्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, मतलब आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कोई एसेट जनरेट हो रहा है, तो वो आपके फिस्कल डेफिसिट में आता है. रिवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ एक्सपेंडिचर विदाउट एनी लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का खर्चा नहीं इसमें इंक्लूडेड. जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं ऐड कर दूंगी तो वो आपका फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा. तो फिस्कल डेफिसिट एक ब्रॉड टर्म लगा लो जिसमें रिवेन्यू डेफिसिट के साथ साथ आपके जो अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो भी ऐड हो जाते हैं. ये बात हो गई क्लियर. अब चलते हैं इस आर्टिकल पे. अब ये आर्टिकल कहता है कि देखो फिस्कल डेफिसिट जो हमारी केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो डिक्लाइन हुआ है,
ये अब हम चलते हैं आर्टिकल पे। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जो फिस्कल डेफिसिट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 9.1% ऑफ द कंट्रीज टोटल इनकम इन 2020-2021 टू 5.9%। मतलब अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है। फिस्कल डेफिसिट आपका कम हुआ है तो मतलब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, रिवेन्यू कम था, अब आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। और स्टेट स्पेसिफिक बात करें तो फिस्कल डेफिसिट ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स कंबाइंड वाज 4.1% ऑफ द जीडीपी एंड इट फर्दर डिक्रीज टू 3.24%। फॉर मेजर स्टेट्स इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 2.9% ऑफ द जीडीपी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पर देखो कोविड-19 पैंडेमिक भी था, सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया, वो गवर्नमेंट के डेफिसिट के अंदर आ गया, उस टाइम इनकम से ज़्यादा एक्सीड हो गया, डेट इंक्लूड हो गया, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होने लगी हैं, डेफिसिट डिक्रीज होने लगा है, राइट? फाइनेंशियल सिचुएशंस में करेक्शंस आने लगी आफ्टर पोस्ट द पैंडेमिक। अब हर एक स्टेट की बात करें तो इन इंडिया ईच स्टेट, मतलब सबकी हर सरकारें हैं, हर एक स्टेट में सरकार बनी हुई है और वो कंट्री के फाइनेंसेस को मैनेज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दे कलेक्ट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल रिवेन्यू एंड स्पेंड 60% ऑफ द गवर्नमेंट ओवरऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल टर्म्स में वो यही बोल रहे हैं कि दे से दे हैव द अथॉरिटी टू कलेक्ट द टैक्सेस, सो दीज टैक्स रिवेन्यूज दैट दे कॉन्ट्रीब्यूट द रिवेन्यूज कॉन्ट्रीब्यूट टू मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल रिवेन्यू दैट इज कलेक्टेड बाई द गवर्नमेंट। 60% जो है ओवरऑल बजट का वो हेल्थ केयर, एडुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इन सब में खर्च कर देते हैं। 40% जो है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट शेयर इन बोरोइंग इज अप्रॉक्सीमेटली 40%। इसका मतलब दे बोरो अबाउट 40% ऑफ द टोटल फंड्स बोरोड बाई द गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये बोरोइंग फिर स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती है अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में, प्रोजेक्ट्स मीट करने में, वेलफेयर स्कीम्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने फाइनेंसिस को आप इफेक्टिवली मैनेज करो। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अभी आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि कुछ स्टेट्स की एनालिसिस करी है, क्योंकि मैं बता ही रही हूँ स्टेट स्पेसिफिक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी कांट फुली अंडरस्टैंड। देखो अब मुझे स्टेट के बजट में, हर एक स्टेट के बजट को अलोन लुक करूँ तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो एक स्टडी होती है, ओवरऑल स्टडी। अब यहाँ पर एनालिसिस में मैंशन है कि देखो एक इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर्ड फ्रॉम द बजट ऑफ 17 मेजर स्टेट्स इन इंडिया। तो 17 मेजर स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 90% ऑफ द टोटल स्पेंडिंग। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखा जाए तो ओवरऑल, मतलब यू कैन, आपको पता चल जाएगा ना क्या सिचुएशन चल रही है स्टेट्स के अंदर। एनालिसिस कहती है कि स्टेट्स हैव बीन एबल टू कंट्रोल देयर फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जहाँ पर सरकार अपना खर्चा बहुत ज़्यादा हो रखा था, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था, रिवेन्यू इतना नहीं था, राइट? इट इज़ गुड टू सी दैट डिस्पाइट फेसिंग द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द रिवेन्यू, पैसा नहीं आ रहा था जब कोविड-19 अपनी पीक पे था, तब भी स्टेट ने अपने फाइनेंसिस को मैनेज किया। ड्यूरिंग द पैंडेमिक फंड्स बहुत ज़्यादा, मतलब चाहिए थे, एलोकेट करने थे एमरजेंसी हेल्थ एक्सपेंसिस को लेके, लाइवलीहुड सपोर्ट करनी थी, दो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेट किया आपस में और चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस किया। फिस्कल डेफिसिट की रिडक्शन जो हुई, इट इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। पहला, स्टेट ने एडजस्टमेंट्स करी अपने एक्सपेंसेस को लेके, उन्होंने दे केयरफुली मैनेज, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करी, अपने इनकम को मैनेज करा, मतलब दे मैनेज देयर स्पेंडिंग, अपनी खर्चा कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है उसको मैनेज किया ताकि वो अपने इनकम के साथ उसको मैच कर सके। दूसरी बात, GST की कलेक्शन इम्प्रूव हुई, रिवेन्यू और जनरेट हुआ। तीसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्ड मोर टैक्स मनी विद द स्टेट्स, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट कम हुआ, राइट? उसके बाद नॉन GST रिवेन्यूज जो हैं, जो अदर सोर्सेज हैं ऑफ इनकम स्टेट्स के लिए, उन्होंने भी एक रिकवरी का साइन दिखाया। तो ओवरऑल चीजें जो है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ गई, स्टेट स्टार्टेड ग्रेजुअली अर्निंग मोर मनी फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस दैट नीड टू बी एड्रेस बाय द स्टेट्स इन इंडिया। फिस्कल, जस्ट अ सेकेंड, फिस्कल डेफिसिट आप बोल रहे हो ठीक हो गया है, ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट अभी एक चैलेंज है। फिस्कल डेफिसिट के अंदर एक टोटल एक्सपेंडिचर में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी एडिड था, लेकिन अभी रिवेन्यू डेफिसिट जो है सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट्स का, स्टेट एक्सपेंसेस में रिवेन्यू डेफिसिट इज हायर,
जहाँ पर आप डे टू डे एक्टिविटीज में आपका जो खर्चा जा रहा है वो कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं हो रहा, वो अभी थोड़ा ज्यादा है। फिस्कल डेफिसिट एक ब्रॉड टर्म है, रिवेन्यू डेफिसिट जो मैंने अभी आपको समझाया, तो वहां अगर देखा जाए तो 17 मेजर स्टेट्स में से 13 स्टेट्स हैव द रिवेन्यू डेफिसिट। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल हैव फिस्कल डेफिसिट प्राइमरली ड्रीवन बाय रिवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट में लगा लो 27%, तो इट इज बिकॉज ऑफ द रिवेन्यू डेफिसिट, राइट? सो इसका मतलब स्टेट्स आर स्पेंडिंग मोर मनी देन दे आर अर्निंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिवेन्यू डेफिसिट डज नॉट नेसेसरली मीन कि स्टेट रेकलेसली स्पेंड कर रही है। COVID-19 के टाइम पे बहुत प्रेशर था स्टेट्स के ऊपर भी मनी स्पेंड करना, हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस पे, लाइवलीहुड सपोर्ट करने पे, तो वहां पर चीजें गई हैं। अब फाइनेंशियल बैलेंस लाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो द रिवेन्यू डेफिसिट एज द परसेंटेज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट इन द ईयर 23-24 अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश 40%, हरियाणा 50%, केरला 60%, पंजाब 70%, राजस्थान 39%, तमिलनाडु 40%, वेस्ट बंगाल 47। मतलब आप ये देख रहे हो दिस इज देयर रिवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। ओवरऑल बात करी जाए सो द शेयर ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट इन द टोटल फिस्कल डेफिसिट फॉर ऑल द स्टेट्स इज इन द सेम ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 27%। तो मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो इन द टोटल फिस्कल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 27%। सो द प्रेजेंस ऑफ अ हाई रिवेन्यू डेफिसिट अमंग दी स्टेट्स अफेक्ट्स द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। तो यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर ये हाई रिवेन्यू डेफिसिट रहा तो ये आपके मैक्रो पूरे लार्ज स्केल पे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है कंट्री की उस पर इफेक्ट करेगा। देखो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, हम देख रहे हैं कि किस सिचुएशन में वो हैं। आपने देखा है अभी हमने पाकिस्तान के लिए रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी था कि करंट सिचुएशन ठीक है, उनकी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन हर बार वो आइए खड़ा हो जाते हैं कि हमें पैसा चाहिए है, ठीक है पैसा खत्म हो गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे अपनी स्टेबिलिटी बनाकर रखें, राइट? डेट लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे बिजनेस में चलता है, लेकिन आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद चीज़ों को प्लान आउट करना पड़ेगा। प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिस्कल नंबर्स कंसीडर करें तो द कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट ऑफ दी स्टेट्स इज 3.17% ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वाइल द एवरेज फॉर ऑल दी स्टेट इज 2.9%। तो यहाँ पर ये नंबर्स की बात दे रखी है उन्होंने। सो ओवरऑल ये आर्टिकल यही कह रहा है कि फिस्कल स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट फाइनेंसेस इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्पेसिफिक ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हो हर एक स्टेट में। अगर मैं पिछले 20 सालों की बात करूं तो पहले ऐसा था कि रिवेन्यू बहुत ज़्यादा होता था एंड स्टेट्स वर एबल टू जनरेट मोर रिवेन्यू देन दे स्पेंड, सरप्लस में था। लेकिन अभी सिचुएशन बदल गई, स्टेट्स आर फेसिंग रिवेन्यू डेफिसिट, दे आर स्पेंडिंग मोर मनी, तो क्या क्या मेजर्स वो ले सकते हैं? पहला है इंटरेस्ट फ्री लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको इंटरेस्ट फ्री लोन अगर मिलता है सो देट विल बी एनकरेज, स्टेट्स विल बी एनकरेज टू फाइनेंस देयर रेगुलर एक्सपेंसेस एंड रिड्यूस देयर रिवेन्यू डेफिसिट। दूसरा, आप एक टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन फॉर रिड्यूसिंग द रिवेन्यू डेफिसिट, जैसे एक प्लान होता है। आपने भी UPSC के लिए एक साल का प्लान बना रखा होगा, तो स्टेट्स नीड टू हैव दैट क्रेडिबल प्लान टू ग्रेजुअली रिड्यूस देयर रिवेन्यू डेफिसिट, ठीक है? परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव ग्रांट्स, तो यहाँ पर अगर कोई स्टेट अच्छा कर रही है तो आप उनको परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स दो। तो दीज आर द मेजर्स दैट कैन बी कंसीडर्ड। तो ये था पूरा आर्टिकल, काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ठीक है? चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आज मैप में जाना है, मैप खोलना है, एटलेस खोलनी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को लोकेट करना है। अगर आप जैसे हमने यूपी के बहुत से टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क्स कवर किए हैं, अगर उस टाइम पे आपने ये प्रोटेक्टेड एरिया कवर कर रखा होता तो आपको पता है ये कहाँ है। जिन्होंने नहीं कर रखा है, आज एक मौका मिला है,
हम यूपी जा रहे हैं, तो मैं मैप आज शो नहीं करूंगी, बस पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आप मैप देखोगे, खुद से देखोगे कि कहाँ पर दुधवा है, कहाँ पर पीलीभीत है, लोकेशन नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट आप खुद से करोगे आज, ठीक है? तो यहाँ पर हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व न्यूज में पहले तो इसलिए है क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं ऑफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दे हैव टेकन इमीडिएट मेजर्स, किस लिए? टू एनहैंस्ड फील्ड पेट्रोलिंग इन द कोर फॉरेस्ट रीजन ऑफ द रिजर्व। एक्शन वॉज प्रॉम्प्टेड बाय अ रेड अलर्ट दैट वॉज इशूड बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो रिसेंटली। ये बेसिकली पर्पस ऑफ दीज मेजर इज टू स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड लाइफ, प्रिवेंट इलीगल एक्टिविटीज जो भी होती है, वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, ट्रैकिंग, पोचिंग, ये सब। तो अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में आ गया है, तो हमारे लिए इसकी लोकेशन और सब कुछ जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बेसिकली लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पर ये पड़ता है। इंडो नेपाल बॉर्डर के पास है, हिमालय के फुटहिल्स पे है, उत्तर प्रदेश में जो तराई प्लेन्स है वहाँ पर पड़ता है। 2008 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। रिवर गोमती ओरिजिनेट करती है इस रिजर्व से, बहुत इंपॉर्टेंट। सो विच इज ऑल्सो द कैचमेंट ऑफ सेवरल अदर्स लाइक शारदा, चुका, मलकनोट, तो ये सारे कैचमेंट है बेसिकली। इट इज ऑल्सो द कैचमेंट ऑफ सेवरल अदर रिवर्स। शारदा सागर डैम इज देयर ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस रिजर्व, तो थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर ऑरिजिनेट करती है, मैप में कहाँ है, इंपॉर्टेंट है। इट इज करेक्टराइज बाय सॉल फॉरेस्ट, टॉल ग्रास लैंड एंड स्वैम्प्स। वेजिटेशन देखें तो नॉर्थ इंडियन मॉइस्ट डेसिडियस टाइप वेजिटेशन है। फ्लोरा की बात करें तो सॉल वुडलैंड इज वेरी डेंस, फूड पैचेस आर देयर, ग्रास विद ग्रास मियाडो, सेवरल स्पीशीज आप देख सकते हो। फना की बात करें तो टाइगर रिजर्व है, तो एंडेंजर्ड टाइगर, स्वैम्प डियर, बंगाल फ्लोरिकन, हॉक डियर, लेपर्ड, ये सब स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला जो आर्टिकल है वो ये है कि कल 4 जुलाई थी और 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जानेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर वन में भी है। तो स्वामी विवेकानंद जी, जिनका बर्थ नेम था नरेंद्र नाथ दत्त, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल लीडर रहे इंडिया में। 1863 से 1902 ही लिव्ड, एंड जैसे कि मैं बता ही रही हूँ, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ इंडिया। ही वॉज दी डिसाइपल ऑफ श्री राम कृष्ण परमहंस, सबने सुना होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, एंड अ वर्ल्ड स्पोक्स पर्सन फॉर वेदांत। हमने उपनिषद्स के बारे में पढ़ा था कुछ टाइम पहले, वहाँ पर भी मैंने स्वामी विवेकानंद जी का रेफरेंस दिया था, आदि शंकराचार्य जी के बारे में हमने थोड़ी बात करी थी, फिलॉसफी को समझा था। तो वही है ये वेदांत की फिलॉसफी, जो फिलॉसफी है जो कहती है टीचिज अबाउट दी वननेस ऑफ ऑल बींग्स, डिवाइन नेचर, अहम ब्रह्मास्मि। हम सब ने हमें इस पूरी बात करी थी कि आत्मा परमात्मा का मिलन, हम सोल हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी उपनिषद का जब रेफरेंस था। स्वामी विवेकानंद जो हैं वॉज नॉट ओनली नोन फॉर हिज स्पिरिचुअल विजडम बट ऑल्सो फॉर हिज एक्सपर्टाइज इन मेडिटेशन। आप करते हो देखो, उनके जो गुरु थे श्री राम कृष्ण, रिकॉग्नाइज हिम एज ध्यान सिद्ध, मतलब एक मेडिटेशन एक्सपर्ट, ही अटेन दिस हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्टरी इन मेडिटेशन। मेडिटेशन देखो जिंदगी में ना, मेरा ये मानना है बहुत हलचल है, आसपास टेंस्ड माहौल, हम खुद ही मतलब एंक्शियस रहते हैं हर दिन, ऐसे स्ट्रेस में उठना, स्ट्रेस में सोना, बहुत से बच्चे हैं ऐसे। आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, कोई प्रेशर में पढ़ रहा है, कोई कि मतलब कैसे भी, सबके अलग अलग रीजंस हैं, चाहे ये पढ़ाई क्यों ना हो, आप इस प्रिपरेशन फेज में, जब इस युद्ध है और जब आप इसमें कूदे हो, तो हर चीज के साथ आपको वो हर चीज को फेस करना पड़ेगा। वो शक्ति कहाँ से मिलती है? वो मेडिटेशन से मिलती है। मेडिटेशन आपको चीजों को डील करना सिखा देता है, मतलब धैर्य रखना, पेशेंस रखना, घबराना नहीं, एंजाइटी नहीं लेना, आपकी परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाना, मतलब आसपास इतनी जैसी भी नेगेटिविटी हो लेकिन आपके आसपास का ऑरा बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत, मतलब वही बोल रही हूँ, आज स्ट्रेस भरे माहौल में जब हम 10 मिनट दो, मैं ये आज रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि
कि डेली 10 मिनट दे के देखो अपने आप को, आंखें बंद करो और चाहे अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, यू विल फाइंड अ चेंज इन योर सेल्फ आफ्टर 1.5 मंथ्स। लेकिन आपको रेगुलरली रिलीजियसली 10 मिनट देने पड़ेंगे, आपको अपनी परफॉर्मेंस में चेंज देखने को मिलेगा, राइट? सुकून देखने को मिलेगा, एक एक पीस, यू विल बी एट पीस, मार्क माई वर्ड्स, राइट? आपकी मतलब आधी जिंदगी में जो परेशानियां है ना, वो जो अननेसेसरी थॉट्स आते हैं वो सब कंट्रोल हो जाएंगे। सो मैं अब ज्यादा फिलोसफी में नहीं जाऊंगी, समझाने की बात थी ये। बाकी वापस से आते हैं स्वामी विवेकानंद पे। सो इनकी जो टीचिंग्स हैं, द आइडिया ऑफ कंबाइनिंग इंडियन स्पिरिचुअलिटी विद वेस्टर्न प्रोग्रेस, ये इनका आइडिया था। ही बिलीव दैट बोथ दी एस्पेक्ट्स कुड वर्क टुगेदर एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो ये लोगों को एनकरेज करते थे टू एम्ब्रेस स्पिरिचुअल वैल्यूज वाइल ऑल्सो एम्ब्रेस साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ऑल्सो। ही स्ट्रांगली बिलीव इन द पावर ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड सेल्फलेस सर्विस वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। थ्रू हिज टीचिंग्स ऑन फोर योगास, द हार्मनी ऑफ रिलीजन्स, डिविनिटी ऑफ सोल एंड सर्विंग द ह्यूमैनिटी, विवेकानंद गेव स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स द पाथ टू दैट रियलाइजेशन। इन्होंने हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया था इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1983 में, दैट वॉज देयर इन शिकागो। एंड स्वामी विवेकानंद जब इंडिया वापिस आए, फाउंडेड द रामकृष्णन ऑर्डर एट बेल्लूर आउटसाइड ऑफ कोलकाता इन 1897। तो रामकृष्णन ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड रिलीजियस ऑर्डर्स इन इंडिया। रामकृष्णन ऑर्डर वॉज इंस्पायर्ड बाय श्री रामकृष्णन, जो कि हमने बात करी है, ग्रेट सेंट फ्रॉम बंगाल। बिफोर हिज पासिंग, रामकृष्णन ने एनकरेज हिज यंग डिसिपल्स टू रिनाउंस द वर्ल्डली लाइफ और एक स्पिरिचुअल डेडिकेशन, इस पाथ पे चलो। सो ही गेव देम द क्लोथ विच सिंबलाइजेज रिनन्सिएशन एंड इंट्रस्टेड द केयर ऑफ दिस डिसाइपल्स टू स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद थे आगे। रामकृष्णन ऑर्डर हैज टू ब्रांचेस, एक मठ, रामकृष्णन मठ, और एक रामकृष्णन मिशन, पढ़ा होगा हमने मॉडर्न हिस्ट्री में। रामकृष्णन मठ फोकस करता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जैसे मेडिटेशन, स्टडी ऑफ स्कल्पचर्स, कंटेम्पलेशन, इसकी बात करता है। और ये देखो, और रामकृष्णन मिशन जो है दैट इज डेडिकेटेड टू सोशल सर्विसेज लाइक कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा आर्टिकल। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि बात कर रहा है गुच्ची मशरूम्स की। और टेम्परेचर थोड़ा सा हम देख ही रहे हैं अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स की वजह से, हंटर्स आर इन डिस्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये क्या है गुच्ची मशरूम, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। गुच्ची मशरूम्स आर ऑल्सो नोन एज मॉरेल्स, दे आर अ टाइप ऑफ फंगस दैट बिलोंग्स टू मॉरकिलेसिय फैमिली। यूनिक अपियरेंस है इनकी, पेल येलो कलर होता है एंड लार्ज पिट्स एंड रिजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द कैप। बहुत ही मतलब हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं, विटामिन डी और न्यूट्रिएंट रिच और बी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, तो बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये 15 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में दिन में, और रात में 5 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए, सो एज टू मेक देम ग्रो। और अभी तो वेदर पैटर्न्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, जिसकी वजह से दैट हैज कॉज डिस्ट्रेस अमंग दी गुची मशरूम हंटर्स। तो यहाँ पर गुची मशरूम देखो कैन नॉट बी कल्टिवेटेड कमर्शियली, दे ग्रो नेचुरली इन द कॉनिफर फॉरेस्ट, और फिर मतलब क्लस्टर्स में ऐसे लगा लो, राइट? और तो जो हंटर्स भी हैं, बेसिकली दे ऑफन लुक फॉर देम इन द क्लस्टर्स, राइट, ऑन डीकेइंग वुड, लीव्स, ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पर दे ग्रो नेचुरली, जैसे कि मैं बता रही थी, कहाँ पर? फुट हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो यही बता रही थी कि बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच हैं, पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया, एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम में से एक, गुची, गुची नाम ही लग गया ना। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, ई सरस ऐप। ये जो ऐप है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने अभी लॉन्च करी है। ये ऐप क्या करती है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप कुछ खरीदना चाहते हैं और वो कुछ बेचना चाहते हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म जो कंसेप्चुलाइज कर रहा है दिस, बेसिकली दिस इज एन इनिशिएटिव कंसेप्चुलाइज बाय दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, राइट, तो प्रोडक्ट्स की ईजी मार्केटिंग हो जाएगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो और वो प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, राइट? पीपल कैन
ब्राउज एंड बाय प्रोडक्ट्स एंड दैट आर मेड बाय द वुमेन्स इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो यहाँ पर फुलफिलमेंट सेंटर्स भी हैं जो कि जहाँ पर बेसिकली जो कंज्यूमर के डोर स्टेप तक प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए वहाँ पर उनका पूरा पैकेजिंग प्रोसेसिंग दे आर शिप्ड देन, तो पूरी लॉजिस्टिक मतलब दिस इट केयर टेक्स केयर ऑफ ऑल द लॉजिस्टिक्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात करूँ तो वो भी एक बात है जिसका एम है पॉवर्टी रिडक्शन करना, और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है जो कि एक्सेस ऑफ मतलब चाहता है फाइनेंशियल सर्विसेज और लाइवलीहुड ऑप्शन आए। इसमें फीचर्स देख लो कि यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन, कि एटलीस्ट वन विमेन मेंबर फ्रॉम ईच आइडेंटिफाइड रूरल पुअर हाउस होल्ड इज टू बी ब्रॉट अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी एक संगठन से समृद्धि कैंपेन जो है वो भी इसी के अंदर है जो कि एम है जिसका मोबिलाइज करे 2-10 crore विमेन्स इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो यहाँ पर पीआईपी ऑल हाउस होल्ड आइडेंटिफाइड एज पुअर थ्रू दिस पीआईपी प्रोसेस पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर इज द एनआरएलएम टारगेट ग्रुप, उनको बेनिफिट मिले इस प्रोग्राम से। कम्युनिटी फंड्स, तो यहाँ पर फंडिंग की भी अगर बात करें तो इट प्रोवाइड्स टू रिवॉल्विंग फंड एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, राइट, ताकि आप आपके जो इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी को आप और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सको। जो असिस्टेंस देनी है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए तो वो सारी असिस्टेंस जो है आप दे सको। सो दीज आर द टू फंड्स एंड दीज फंड्स आर गिवन टू द इंस्टीट्यूशंस दैट आर फॉर्म बाय द पुअर, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, सो एज दे कैन मैनेज help them to manage their finances and strengthen their institutional capacity. So these funds are meant to be used continuously and can be repaid and reused over the time. ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन, कॉमेंट सेक्शन में भी बता देना। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।